अल्ट न्यूज चैनल स्वागत। 13 नवंबर की म्युनिसिपल कमेटी दी चोणां नूं लैके बीजेपी की हंगामी मीटिंग, ये खबर असीं तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। अगर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो इहनूं सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकॉन भी दबा लो। 13 नवंबर की म्युनिसिपल कमेटी दी चोणां नूं लैके बीजेपी ने कमर कस ली है। इसे सिलसिले में 13 नवंबर तो बीजेपी के मंडल प्रधान राजू पंडित की रहनुमाई हेठ एक हंगामी मीटिंग हुई, जिस विच बघेल सिंह भैया गुरदासपुर तो बीजेपी वालों नगर कौंसल इलेक्शन दे कोआर्डिनेटर हन ते ओ खास तौर ते इत्थे पहुंचे। बघेल सिंह ने कहा कि बीजेपी इन्हां चोणां लई पूरी तरह तैयार है ते राजू पंडित दी पिठ ते चट्टान वांग खड़ी है ते डेरा बाबा नानक दीआं नगर कौंसल दीआं चोणां च जित प्राप्त करेगी ते नाल ही 2024 दीआं चोणां लई भी बीजेपी वर्करां नूं लामबंद कीता जावेगा। उत्थे ही राजू पंडित ने कहा कि वह नगर कौंसल दीआं चोणां संबंधी विचार वटांदरा बघेल सिंह अते बीजेपी वर्करां नाल करन लई ही अज इकट्ठे होए हन ते अज तो ही नगर कौंसल चोण दी जित नूं लक्ष्य बनाउंदे होए वह अपनी रणनीति ते काम करना शुरू कर देंगे। आओ देखते हाँ कृष्ण गोपाल नाल जतेंद्र कुमार की विशेष रिपोर्ट। जी अज पहला तो मैं थोड़ा प्रेस के माध्यम राही दसना चाहना कि आने वाले समय जी नगर निगम दोणा हो जा रही डेरा बाबा नानक और जोड़े बाकी पंजाब के कुछ कारपोरेशन दलैक्शन ने वो संबंध में जी भारतीय जनता पार्टी वालों अपने अपने जिते जिथे नगर कौंसल की इलैक्शन और कारपोरेशन दलैक्शन ने वो संबंध में जो टीम ने अपने जोड़े पंजाब के जोड़े प्यार करने वाले लोग ने जोड़े भारतीय जनता पार्टी उन्होंने मिलने के संबंध में अज असी सारे एकत्र होए हैं। सो अज डेरा बाबा नानक की समुची टीम भारतीय जनता पार्टी की साढ़े मंडल प्रधान जी पंडित जी होर साड़ी समुची सारी टीम इतने आई हुई है। मैं इन्हों का भी धन्यवाद करता और तुहाडा भी सारे आए हुए प्रेस वाले साथियों का भी धन्यवाद करता और जिहड़ी आने वाले समय के इलैक्शन ने इहदे लई जो भी रूपरेखा साड़ी असी बैठ के बनावांगे उहदे संबंध असी टाइम टू टाइम तुहानूं भी असी दसदे रहांगे और इलैक्शन जिहड़ी है भारतीय जनता पार्टी तगड़िया हो के और कट्ठे हो के सारे ही कार्यकर्ता जिहड़े भाजपा के कार्यकर्ता कट्ठे हो के असी इलैक्शन लड़ांगे। अज उहदे संबंध असी इह रूपरेखा बनाउण जा रहे। नहीं देखो अजे तो पार्टी के जिन्हें भी साढ़े पुराने कार्यकर्ता ने जो भी और आने वाली इलैक्शन पिछले समय जो मुश्किल रही ने वो संबंध में विचार वटांदरा करांगे और जी टिकटां की गल है वो हाईकमांड का फैसला आ। देखो वो पार्टी के पंजाब के साडे प्रधान जी और जी लीडरशिप बैठी हुई है वह बैठ के फैसला होएगा उस चीज़ से। अजे नोटिफिकेशन अजे ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं होया इलेक्शन का, जो भी नोटिफिकेशन होएगा उस तो बाद टिकटों की भी गल। देखो ये पार्टी का एक चेहरा से साडे जो पार्लीमेंट इलेक्शन होए ने उन्हां दा एक चेहरा साडे एम पी जो बन के गए है सनी देओल जी और उस तो बाद उन्हां दे जिहड़े दित्ते होए प्रोग्राम से चाहे फंड से वो टाइम टू टाइम जिहड़े आ साडे पिंडां दे पंचायतां दे चाहे 14वें वित्त की गल करिए चाहे 15वें वित्त की गल करिए टाइम टू टाइम फंड एम पी फंड जिहड़े लै असी जारी किए ने पार्टी ने। बाकी कुछ चीज़ा ने जिहड़ियां आने वाले समय से पार्टी सोचती पई है संजीदगी दे विच कोई गल नहीं इहदे ते विचार चलदी पई है। सनी देओल अज साडे कोल डेरा बाबा नानक नगर विच साडे नेता ने बघेल सिंह जी भैया जी इन्हों नगर कौंसल के इलैक्शन का जो जल्दी आने वाले आ उस संबंध में पार्टी ने डेरा बाबा नानक नगर कौंसल का इंचार्ज बना के भेजा वा और इन्हों विचार विमर्शा होनगियां जो साड़िया मुश्किल आई पिछले समय से जो अगे अं जो रणनीति बनानी है उन्हों बारे अं इन्हों विचार तंदरा करांगे और ये साडा वो मुश्किलों का समाधान करने हाईकमान को जाएंगे और साड़िया सारिया रणनीति बनेगी जी।